दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 12 अप्रैल को प्रस्तावित 39वें दीक्षांत समारोह के लिए आयोजित लोगो प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हो गया है। शनिवार को कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने प्रशासनिक भवन के कमेटी हॉल में दीक्षांत समारोह के चिन्ह लोगों का विमोचन करने के साथ विजेताओं का नाम घोषित किया, जिसके संबंध में कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में पहला स्थान DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय में MA द्वितीय वर्ष की छात्रा मीनू चौरसिया ने हासिल किया है। छात्रा का लोगो ही दीक्षांत समारोह का औपचारिक लोगो बनेगा। दूसरा स्थान विश्वविद्यालय के BA तृतीय वर्ष के छात्रा निशा सिंह और तीसरा स्थान विश्वविद्यालय के BA तृतीय वर्ष की छात्रा स्नेहा तिवारी को मिला है। इनके अलावा महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर कॉलेज जंगल धूसण में BEd की छात्रा नीलम गुप्ता, विश्वविद्यालय के प्री PhD दिलीप कुमार त्रिपाठी और बहादुर यादव मेमोरियल PG कॉलेज भाटपरानी के BA द्वितीय वर्ष के छात्र संदीप कुमार का नाम चयनित किया गया है। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियाँ चल रही हैं। मुख्य समारोह से एक सप्ताह पूर्व 5 अप्रैल से दीक्षांत सप्ताह समारोह की शुरुआत होगी। निर्णायक मंडल के सदस्यों के रूप में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, बबीता वाजपेयी, डॉक्टर निशा जायसवाल ने भूमिका निभाई। इस अवसर पर अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर नंदिता सिंह, प्रोफेसर सुधा यादव, प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह, प्रोफेसर अजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, हमने जैसा कि पहली मीटिंग में ये किया था कि एक पूरा प्रतियोगिता अपने विश्वविद्यालय के और संबद्ध सभी महाविद्यालय के विद्यार्थियों की लोगों के चयन के थ्रू कराएंगे सर उसमें, और फर्स्ट प्राइज मैं चाहती थी कि DC सर खुद अनाउंस करते तो ज़्यादा ठीक रहता। प्रथम पुरस्कार है मीनू चौरसिया, तीसरा पुरस्कार है स्नेहा तिवारी BA तृतीय वर्ष, पंचवा पुरस्कार नीलम गुप्ता BEd महाराष्ट्र जंगल भूषण। नेक्स्ट दिलीप कुमार त्रिपाठी प्री PhD, संदीप कुमार BA कंसर्वेशन का, तो ये सब के बारे में इसको प्रेस में भी दे दीजिए। आप लोग भी आते कि शहर की काफ़ी अच्छी जो है कला से जानकार हैं श्रीमती बबीता वाजपेयी, उन्होंने जो है अपना चूँकि कला के मर्मज्ञ लोग हैं उन्होंने अपनी कुछ जो है चीज़ें बहुत सी देखी। पहली बात तो कि 39 होना चाहिए, फिर लोगों के हिसाब से उसको कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कुछ मैसेज भी उसमें होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी का जो है एकदम उसमें होना चाहिए, का भी है कि प्रगति की ओर ले जाएंगे, कुछ उस तरह का उसमें इंडिकेशन है। ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है इसको उन्होंने सेलेक्ट किया है। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। जैसा जान रहे हैं कि आज जो स्पेशल मीटिंग छुट्टी के दिन की गई है कि 39वें दीक्षांत समारोह में जो हम लोग लोगो डिक्लेयर किए हैं और उसको कंपटीशन से सेलेक्ट किया जाता है, हम लोग कंपटीशन करते हैं, तो इसमें बहुत सारे पुरस्कार आए थे। इसमें कुल 86 थे पार्टिसिपेंट, 54 हमारी यूनिवर्सिटी थे से थे और संबंध कॉलेजों से करीब 32 थे। तो उसमें प्रथम आई है मीनू चौरसिया जी, जिनका ये लोगो है, ये फाइनल हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये आई है।
तो ये इसको हम लोग लोगो ऑफ द 39वें दीक्षांत समारोह का लोगो डिक्लेयर कर रहे हैं। द्वितीय पुरस्कार निशा सिंह को मिला है, बीए तृतीय वर्ष की हैं। तृतीय पुरस्कार स्नेहा तिवारी को मिला है। 57वां पुरस्कार नीलम गुप्ता बीएड की हैं और दिलीप कुमार त्रिपाठी प्री पीएचडी के हैं और संदीप कुमार बीए द्वितीय वर्ष के हैं। तो ये आज हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, 86 में से 6 पुरस्कार हम लोग डिक्लेयर किए हैं, तो जिसमें फाइनल जो मीनू चौरसिया का जो है वो हम अपना लोगो यूज करेंगे। तो इसकी स्पेशल मीटिंग थी, 12 तारीख को हमारा दीक्षांत समारोह है, उसकी तैयारी चल रही है। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने अपना कंसेंट दिया है, उसका वो करेंगी। हमने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, वहाँ से अभी कुछ आया नहीं है और जैसे आएगा तो कौन हम लोग के कन्वोकेशन एड्रेस कौन देगा, कौन विशिष्ट अतिथि होगा, तब हम डिक्लेयर कर पाएंगे। और तैयारियाँ ठीक चल रही हैं, छुट्टी है 31 तक बंद है, शायद 2 तक छुट्टी है, तो लेकिन उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो भी अलग अलग समितियाँ हैं अपना अपना कार्य कर रही हैं और ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग मीटिंग भी कर लेते हैं। ऑनलाइन ज़रूरत होती है ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, ऑफलाइन ज़रूरत होती है ऑफलाइन करते हैं। 5 अप्रैल से जो हमारा सप्ताह है दीक्षांत समारोह, 39वें दीक्षांत समारोह का जो सप्ताह है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें स्पेशली जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से, बुद्धिजीवों से और प्रोफेसर्स और सक्सेसफुल लोगों से लेक्चर दिलवाया जाता है, तो वो लिस्ट बन गई है, बात हो रही है और वो कार्यक्रम 5 तारीख से हमारा स्टार्ट हो जाएगा।